सोशल डिस्टेंस का पालन करवाने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट ने मंगलवार को महवा मंडी का निरीक्षण किया और दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर व्यापार करने की नसीहत दी, जिसके संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि मंडी में कुछ दिनों से भीड़ की शिकायत प्राप्त हो रही थी, जिसको देखते हुए मंडी का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान फुटकर विक्रेता को नहीं पाया गया, कुछ व्यापारियों द्वारा रोस्टर का उल्लंघन करते पाया गया उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और कुछ लोग मंडी में बिना मास्क के घूमते पाए गए, उन लोगों से जुर्माना वसूल किया गया तथा 14 लोगों का चालान किया गया और चेतावनी दी गई कि जो लोग बिना मास्क के मंडी में घूमेंगे या कार्य करेंगे और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और यह प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, निकालो निकालो, अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ ना तुम लोग क्या करते हो मैं क्या करता हूँ। चलो ना मजाक बना के सब लेबर सबको बाहर निकालो। लेबर बता दो, वही एक महीना पहले एक बात और बता दे रहा हूँ, जिसको फोन करना है कर लो, आज मैं दुकान छोड़ कर रहा हूँ, तुम करो, मैं समय दे रहा हूँ, करो तुम करो आराम से। खम्भम नाम है जो कौन दुकान होती है, उसकी अगल दुकान किसकी समिति में है अभी, वो हमारा वो काट रहे थे बुलाए हो तुम को? कहाँ बुलाए हो यार, फालतू समय नहीं तुम लोग सुन, फोरन काट के रख दिया, छोड़ूंगा नहीं, बता दे रहा हूँ मेरे दुकान में सब सील हो गया, कार्रवाई हुई अलग से पाया ऊपर, सरकारी काम कर रहा है जाके चला रहे आप दूसरा कल ऑफिस बुला दीजिए, ज़्यादा खराब है इन लोग का, देखिए मंडी में विगत दो तीन दिनों से भीड़ लगने शिकायत हो रही थी और कुछ फुटकर विक्रय की भी शिकायत हो रही थी तो, और कुछ जो आरती हैं उनके द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन ना करने की शिकायत हुई थी, इसी संज्ञान लेके आज औचक निरीक्षण किया गया और फुटकर विक्रय तो यहाँ होता नहीं पाया गया, परंतु जो निर्धारित समय और रोस्टर उसका उल्लंघन कुछ व्यापारी द्वारा किया जा रहा था उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की गई है। इसके अलावा जो भी मंडी परिसर में बिना मास्क के घूम रहे थे उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई है और व्यापारियों को एक सख्त निर्देश दिया गया है और ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनको कि वो जो मंडी समिति द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उसका अक्षरशः पालन करें, अगर उसका पालन नहीं करते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन नहीं करते हैं या मास्क नहीं लगाते हैं फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, यही सब उनको बताया गया और निरीक्षण प्रतिदिन जारी रहेगा। सर कुछ जुर्माना वसूला गया लोगों से? हाँ, अभी तक करीब 14-15 लोगों का चालान किया गया है और आगे भी प्रक्रिया चल रही है चालान की, मंडी इंस्पेक्टर्स के माध्यम से भी चालान कराया जा रहा है और जो स्थानीय चौकी इंचार्ज है उनके माध्यम से भी चालान कराया जा रहा है, तो जो भी रोस्टर का या जो गाइडलाइंस उसका फॉलो नहीं करेगा उसके खिलाफ चालान किया जाएगा और अगले तक कार्रवाई की जाएगी। व्यापारियों को चेतावनी दी गई है? देखिए व्यापारियों के साथ यहाँ पे कई बार बैठक हो चुकी है, बैठक के बाद विस्तृत यहाँ पे नियम बने हैं कि किस समय दुकानें खुलेंगी, फल सब्जी गल्ला मंडी का समय क्या होगा और कितने लोगों को वहाँ पे उसमें एंट्री देनी है और कितने बजे तक विक्रय करना है, इसके अलावा उनके यहाँ क्या क्या नॉर्म्स पालन हो है, रजिस्टर बनाना है, सब चीज़ें बताई गई उनको, थर्मल स्कैनर उनको अलग से दिया गया है, पल्स ऑक्सीमीटर दिया गया है, यही सब जांच हो रही थी कि उसका अनुपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैक्सिमम जगह ये पालन करते हुए लोग पाए गए और जहाँ भी इसका पालन नहीं हो रहा था तो उनको सख्त चेतावनी दी गई है और अगर फिर भी उनके द्वारा पालन नहीं किया गया तो उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई और अलग से वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।